जब भी हम इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने के लिए बैठते हैं या इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी सफ़र का को शुरू करते हैं बेसिकली, तो कई बार ये कन्फ्यूज़न होता है कि एज कहाँ से शुरू हुई थी और कैसे शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुआ होगा ये इंग्लिश का सफ़र। और इस लिटरेचर को के सफ़र को समझने के लिए हमें सबसे पहले किन चीज़ों को समझना चाहिए, तो देखते हैं, चलते हैं, आज से शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में डिफरेंट एजेस की सीरीज। हेलो एवरीवन, मेटामॉर्फोसिस में फिर से आपका स्वागत है और आशा है कि इस बीच आपने बहुत सारे रिट्रोस्पेक्शन किए होंगे, एग्जाम्स हुए हैं, नेट के एग्ज़ाम हुआ है और भी जो है सबके बेसिक जितने मेजर एग्ज़ाम थे लेक्चरर एलटी सब निपट चुके हैं और कई कंपटीशन के एग्ज़ाम हुए हैं, आप देखिए वीडियो का हुआ है, तो इस तरीके के सारे एग्ज़ाम्स में आपने अपनी पावर्स और इन सबको समझा होगा। और नेट के बैच भी हमारे वहाँ चल रहे हैं और अभी जो है अगले नेट के लिए स्टार्टिंग हो चुकी है, जिन्हें ये करना हो कोर्स वो ज़रूर आ सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो एक चीज़ समझ में आई कि एजेस की सर एक सीरीज़ डालिए, एजेस जो हैं बहुत ज़रूरी है, तो लीजिए शुरू करते हैं आज से एजेस की सीरीज़। और आज सबसे पहले जो लेके आया हूँ वो है एंग्लो सेक्शन एज। एंग्लो सेक्शन एज आप इतनी इम्पॉर्टेंट एज मान सकते हैं क्योंकि यही वो एज है जहाँ से आप ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर या ब्रिटिश लिटरेचर को शुरुआत मान सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत एंग्लो सेक्शन एज से ही होती है बेसिकली, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर जाएंगे हम एंग्लो नॉर्मन्स में और फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सवाल उठता है कि एंग्लो सेक्शन एज को एंग्लो सेक्शन क्यों कहते हैं, ठीक है? तो अगर हम मैप को उठाएँ, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, अगर हम मैप को उठाएँ तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इस मैप में देखिए कि जो इंग्लैंड है उसके और इसके बीच में जो दूसरा जो लैंड है, इधर एक साइड आप देख रहे हैं कि आपको मिल रहा है पूरा रोमन एम्पायर था जो, और एक साइड पूरा दूसरा लगा हुआ जो लैंड है वहाँ डिफरेंट ट्राइब्स रहती थी और बीच में नॉर्थ सी था और उधर बाल्टिक सी था साइड पर जहाँ पर आपको दिख रहा है लास्ट कॉर्नर। और इन बिल्कुल कॉर्नर पे देखिए यहाँ पर जहाँ पर एक जो है हुक्स टाइप का शेप है, यहाँ पर तीन जातियाँ जो हैं वो रहती थी ट्राइब्स, जो बहुत ही वॉरियर जातियाँ थी और ट्राइब्स होते वैसे भी बहुत रफ एंड टफ हैं। तो इन लोगों का ये था कि ये पैगन गॉड्स को मानते हैं, इनके वहाँ नेचुरल चीज़ों को पूजा जाता है, नेचर की पावर को पूजा जाता है। अगर आपको इनको ज़्यादा समझना हो तो वाइकिंग्स एक सीरीज़ है आपके नेटफ्लिक्स में, आपको ज़रूर देखनी चाहिए, तो उससे आपको ज़रूर आइडिया मिलेगा कि पैगन गॉड्स क्या और किस तरीके के इनके बिलीफ होते हैं। ये लोग खुद को भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपने लिए, अपने गॉड्स की इच्छा के लिए, और ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं गॉड को खुश करने के लिए। और बेसिकली ये लोग बहुत ही बोल्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल और स्ट्रांग होते हैं। तो ये तीन ट्राइब्स में एक एंजल्स थे कॉर्नर पे देखिए, एक है यहाँ पर आपको दिखाए हुए मैप में, जो दूसरे हैं वो सैक्सन्स हैं और तीसरी ये जर्मेनिक ट्राइब्स कहलाती थी और तीसरा लास्ट में बाल्टिक के पास देखिए अगर आप तो वहाँ पर आपको ज्यूट्स दिखेंगे। तो यहीं से शुरू होती है, इधर देखिए नॉर्थ से उधर नॉर्थ सी से इधर आपको इंग्लैंड दिख रहा है जिसका एक हिस्सा मैंने रोमन ब्रिटन्स रोमन कह रखा है, ब्रिटेनो रोमन भी कहते हैं, और दूसरा हिस्सा ऊपर वाला जो छूटा हुआ है दूसरे कलर में उसको हम ब्रिटन्स कहते थे या फिर उसको दूसरे को कहते थे हम रोमन रोमेनो ब्रिटन्स भी कहते थे इस वाले हिस्से को, ऐसा क्यों कहते थे ये भी आऊँगा। तो ये जो तीन ट्राइब्स हैं इनका नाम कैसे आया, देखो एंजल जो है वो एंगुल नाम से शुरू हुआ है, ए एन जी यू ई एल भी कह सकते हैं और हम ए एन जी यू एल भी कह सकते हैं, और एंजुल का मतलब होता है एक ऐसा हुक। इसके दो रीज़न होते हैं क्रिटिक बताते हैं, एक हुक जैसे जिस जगह पे ये एंजल्स और सेक्शन आपको दिख रहे हैं तो ये एक हुक नुमा जो है चीज़ें बना रहा है मैप, हुक के शेप का है जहाँ पर ये स्थित है, एक ये भी रीज़न हो सकता है। दूसरा यहाँ फिशिंग बहुत होती है तो फिशिंग में एक हुक इस्तेमाल होता है, उससे भी क्रिटिक इसकी मीनिंग को निकालते हैं।
दूसरे आते हैं जो सेक्शंस, सेक्शंस का मतलब, ये सेक्शन जो वर्ड है वो बेसिकली S-A-X वर्ड, सेक्स वर्ड, या फिर S-E-A-X सीक्स वर्ड, इनसे बना है और इसका मतलब होता है सोल्ड, यानी कि तलवार। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, इनका मीनिंग अगर कभी आ गया तो इन जो ओंगुल से या एंजुल से आया है, जिसका मतलब है हुक और सेक्शंस का मतलब है सोल्ड। तो इन ट्राइब्स ने इंग्लैंड में हमला किया और इंग्लैंड के जो नॉर्थ सी से लगा हुआ इलाका है, सबसे पहले वहीं से हमला करेंगे। तो जब इन्होंने हमला किया तो आखिर क्या चीज़ थी कि ये ट्राइब्स ने यहाँ पे हमला किया और इससे पहले तक क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा माइंड में आता है। तो देखिए, बड़ा ज़बरदस्त पॉलिटिकल सिनेरियो है, क्या चीज़ थी कि इससे पहले इन्होंने हमला नहीं किया। इसका रीज़न ये है कि जो ब्रिटेन, जहाँ पे मैंने रोमेनो ब्रिटेन लिख रखा है, ब्रिटन्स लिखा हुआ है, वो पूरा एम्पायर रोमन साम्राज्य के कब्जे में था और वहाँ रोमन सोल्जर्स, रोमन नाइट्स और रोमन सारे जो आप कह सकते हैं पावरफुल, इनके रोमन साम्राज्य के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ थे। और आप जानते हैं कि रोमन साम्राज्य सबसे ज़्यादा, रोमन एम्पायर पावरफुल और सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड और सबसे बड़ी आर्मी और सबसे ज़्यादा एरिया वाला था, जिसने बहुत सारी जगहों को कॉलोनाइज कर रखा था। तो ब्रिटेन भी उनमें से एक था जो रोमन एम्पायर के जो है पूरे काबू में था। तो तब उस रोमन एम्पायर की पावर की वजह से इसकी ओर कोई आँख उठा के नहीं देखता था। तो यही कारण था कि अभी तक एंजल्स, सेक्शंस और जूट्स ने यहाँ पे हमले नहीं किए थे। अब क्या हुआ कि हमला किया, अब इस बात पे आते। अब ये हुआ कि रोमन एम्पायर, जो कि आपको इस साइड दिख रहा है नॉर्थ के, वो बहुत बड़ा एम्पायर जो था उसमें उसका फॉल हो गया, फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर हुआ। और वो किसके हाथों हुआ और रोमन एम्पायर कैसे दूसरे राजा के हाथ में चला गया और किस तरह रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, तो ये फॉल कैसे हुआ, इस पे बात करते। तो अगर हम हिस्ट्री को सोचें तो आपको, आप देखिएगा हिस्ट्री में लिखा है 24 अगस्त, 24 अगस्त 410 ये टाइम था, 410 AD। इसमें क्या था, एक राजा था जिसका नाम था एलेरिक और वो राजा था एक जाति का जो ग्रेट किंगडम उस समय माना जाता था और बहुत, लेकिन रोमन से ज़्यादा बड़े राज्य नहीं थे वो, लेकिन एक राजा था जो रोमन पे बुरी नज़र रखता था, रोमन साम्राज्य पे। वो विजिगॉथ्स होने कहते हैं, तो किंग ऑफ विजिगॉथ्स, ठीक है, इन्होंने हमला किया रोमन साम्राज्य पे। और रोमन साम्राज्य में इस समय खुद में बहुत अंतर्धन चल रहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग नहीं मौजूद थे अब। तो इसका क्या हुआ, इसका परिणाम कि एलरिक ने इस पे हमला किया और ज़ोरदार हमला किया। और ये वो वक्त था जब 800 सालों से चला रहा रोमन एम्पायर पूरी तरीके से नेस्तनाबूत कर दिया गया। इट वॉज फॉलन इन द हैंड ऑफ एलरिक और एलरिक ने उसमें कब्जा जमा लिया और पूरा रोमन साम्राज्य फॉरेन राजा के हाथ में चला गया एलरिक। और पूरा रोमन आर्मी और जितने उससे जुड़े हुए बाकी लोग थे वो वहाँ से भाग निकले। अब जब एंग्लो सेक्शंस यहाँ पर आ गए तो उनके आने के बाद क्या इम्पैक्ट होता है इंग्लैंड में, इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब एंग्लो सेक्शंस यहाँ पर आ जाते हैं, जूट्स तो उतना पावरफुली इसको नहीं कवर कर पाते इंग्लैंड को, लेकिन एंग्लो सेक्शंस जो एंजल्स और सेक्शंस हैं, इन लोगों ने वहाँ पर पूरा कवर कर दिया है काफ़ी एरिया। तो अब इनके आने से क्या हुआ, क्या जो रोमन एम्पायर का जो लीगेसी चले आ रही थी या उनका जो कल्चर और उनका जो इस सारा ब्रिटन्स लोग फॉलो कर रहे थे, क्या वो कंटिन्यू होने वाला था? बिल्कुल नहीं। एंग्लो सेक्शंस ने अपने पैगन बिलीफ्स की वजह से क्रिश्चियनिटी की धज्जियां उड़ा दी और यहाँ तक कि वो रोमन एम्पायर को और उसकी यादों को रखने में कोई ख़ास इंटरेस्ट दिखाने वाले नहीं थे। तो उन्होंने सबसे पहले इनकी रॉकी बिल्डिंग्स, पत्थरों से बनी मीनारों और इनको छोड़ के अपने लकड़ी के भवन बनाने स्टार्ट किए और अपने कल्चर को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया। और आपको यकीन नहीं आएगा कि ये जब से इन्होंने अटैक किया है यहाँ पर, ठीक है, 410 के लगभग, और तब से लेके 150 साल से ऊपर, यानी 597 AD तक, 597 AD तक, यहाँ क्रिश्चियनिटी का लगभग कोई ख़ास निशान नहीं रहा।
क्रिश्चियनिटी सिर्फ ब्रिटन्स लोग ही मानते थे और ये लोग अपने पैगन्स पे ही बिलीव करते थे और कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई जिससे क्रिश्चियनिटी को उबारा जाए। लेकिन 597 में सेंट ऑगस्टाइन का आगमन हुआ ब्रिटेन के अंदर और उन्होंने फिर से क्रिश्चियनिटी को रिवाइव करने की कोशिश की और उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से इसको लोगों के बीच रखा और इतना प्रचार प्रसार किया। सेंट ऑगस्टाइन इसीलिए फेमस हैं कि जो एंग्लो सैक्शन जो अब ब्रिटेन के साथ घुल मिल गए थे ये एंग्लो सैक्शंस और उनके कल्चर्स पर भी इंटरेस्ट ले रहे थे, उनकी चीज़ों को भी सीख रहे थे और क्रिश्चियनिटी को भी थोड़ा थोड़ा समझ रहे थे, वो इनसे कन्विंस हुए और क्रिश्चियनिटी का फिर से आगमन शुरू हुआ। एंड दैट डेट वॉज 597। सेंट ऑगस्टाइन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग और रिवाइविंग द क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग द एंग्लो सैक्शन एरा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात आती है कि इन ट्राइबल ग्रुप्स ने अपने आप को आगे कैसे इस्टेब्लिश किया। देखिए बाद में क्या हुआ, जो किंगडम्स थे वो सब किंगडम्स में भी डिवाइड होने लगे और इस तरीके से एंग्लो सेक्शंस में भी सबसे पावरफुल जो किंगडम्स उभर के आए वो चार थे। एक था नॉर्थरूम्बिया, एक था मर्सिया, एक था ईस्ट एंजलिका एंड एक था वेसेक्स। इसमें वेसेक्स सबसे पावरफुल था, जबकि नाइन्थ सेंचुरी तक यानी लगभग 900 AD आने तक ये चार बड़े बड़े राज्यों में डिवाइड हो चुका था जो मैंने आपको बता दिए, नॉर्थरूम्बिया, ठीक है, मर्सिया और ईस्ट एंजलिका एंड वेसेक्स। वेसेक्स वॉज द मोस्ट पावरफुल। बाद में अभी यहाँ पर फिर अटैक होगा जो वाइकिंग्स का होगा और वाइकिंग्स जब आएंगे तो केवल एक वेसेक्स ऐसा एम्पायर है जो वाइकिंग्स के अटैक में भी सर्वाइव करेगा और उनको हरा देगा, जबकि बाकी कब्जे में आ जाते हैं। तो एंग्लो सेक्शन का ये जो पूरा आपका राज्य था और किंगडम था ये उस समय 410 से लेके जब से आए थे तब से लेके 1066 यानी 1066 तक चला। ये लोग बड़े पावरफुल लोग होते थे, फिजिकल जो अचीवमेंट है और फिज़िकल एक्टिविटीज़ और हीरोइज़म को बहुत पसंद करते थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और इस समय जो है इसीलिए ये पैगन गॉड को भी पूजते थे और क्रिश्चियनिटी को शुरू में नहीं मानते थे लेकिन बाद में धीरे धीरे मानने लगे थे। ओल्ड इंग्लिश ही में जो है जो पूरा नेटिव बोलते थे उस समय ओल्ड इंग्लिश, उसी में एंग्लो सैक्शंस भाषा जो है मिक्स हो गई और वो एक तरीके से इंग्लिश का और कॉकटेल बन चुका था। तो लेकिन ये सारी चीज़ें जो भाषा मानी जाएगी उस समय इन सब के मिक्सचर वो ओल्ड इंग्लिश ही कही जाती है। और इस तरीके से ये इनका पूरा एक बैकग्राउंड था जिस तरीके से एंग्लो सैक्शंस यहाँ आए और उन्होंने राज्य किया। अब बात आती है कि इन सब बिलीफ्स के चलते क्या उस समय का कुछ लिटरेरी पीरियड रहा होगा, कुछ साहित्य बना होगा या लिटरेचर कुछ जो हमें समझना चाहिए जिसका आगे लिटरेचर से कनेक्शन होगा। तो लिटरेचर के इस बात को जानने के लिए आप देखते रहिए और इसका सेकंड पार्ट जो आपको कल मिलेगा उसमें हम बात करेंगे एंग्लो सैक्शन के लिटरेचर की, ठीक है। तो दोस्तों विदा लेता हूँ और आशा है कि इस सीरीज़ को आप एंजॉय करेंगे और इससे बढ़िया नोट्स आप बना सकते हैं और एक क्रिस्टल क्लियर आपका विज़न बनता रहेगा जिससे आप बाकी की तैयारी भी करते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग। थैंक यू।